नमस्कार दोस्तों, बिना फैक्ट के हम कोई बातें नहीं करते और आज हम कुछ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं जिसके बाद आप सन्ना के रह जाएंगे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक परसेप्शन बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हर जगह एक ही बात का चर्चा है कि खेसारी लाल यादव के जीवन को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो राजपूत समाज के लोग हैं। अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव का जो एग्रीमेंट करवाया है वो भी राजपूत है, और खेसारी लाल यादव के जीवन को अगर कोई बर्बाद करना चाहता है तो वो भी राजपूत है। और राजपूत कहने का मतलब सीधा है कि पवन सिंह जो हैं वो खेसारी लाल यादव के जीवन को बर्बाद कर देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम अखिलेश कश्यप का एक वीडियो क्लिप चलवाते हैं। हर जगह से किया जा रहा है, लेकिन पहले इतना गाना ना आवत रहा जितना घेर के हमनी के मेहनती लोग हो गिल बाने। इसमें पूरा मिली भगत है, और आप लोग अब आप लोगों को ये सब चीजें चाहिए कि आप लोग अब अपने सुपरस्टार के लिए, अपने खेसारी के लिए आगे आइए और ऐसे लोगों को अब जवाब देना ही होगा। दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए अखिलेश कश्यप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताते हैं भोजपुरी के पूरे दर्शकों को, भोजपुरी में जितने भी खेसारी लाल यादव को पसंद करते हैं उन लोगों को, कि देखिए पहले पवन सिंह पूरा टीम क्रिएट करते हैं, खेसारी लाल यादव को फंसाते हैं और फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कूद के आते हैं और अच्छे तरीके से एकदम पकड़ बनाते हैं और अब हिट पे हिट गाना दे रहे हैं। और इस बात का जिक्र खेसारी लाल यादव ने अपने दूसरे लाइव वीडियो में भी किया था। सब जने मिलिए के का उखाड़ ले लो, बस के बाद जेकर के जनता प्यार करे ला ना ओकरा के केहू उखाड़ ना पाई। दोस्तों, जरा कल वाले लाइव वीडियो की तरफ भी नजर डालते हैं और वहां भी समझने की कोशिश करते हैं एक चीज। पंकज सिंह का ये वाला गाना आया जो इन दिनों सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय है, ये गलत है, ये नहीं गाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि खेसारी लाल यादव ये किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा ये एक छोटा सा क्लिप आप पहले देखिए। मैं जानता हूँ ये कहाँ से बढ़ावा मिल रही है, इतना बुरबक थोड़ी हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ऐसे थोड़ी पहुँचा हूँ, सबको देख के पहुँचा हूँ। तो प्लीज दोस्तों, इस गाने आने के बाद खेसारी लाल यादव पूरी तरीके से श्योर है कि ये जो गाना है वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ही सपोर्ट करके गवाया है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, और ये जो ज़्यादा चांसेस है वो पवन सिंह के तरफ इशारा करते हैं। उनको लगता है ऐसा कि पवन सिंह ही है जो सपोर्ट कर रहे हैं इस व्यक्ति का और गाना गवाने के लिए कह रहे हैं, और इस वजह से ही खेसारी लाल यादव को ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ही वो कुछ इस प्रकार से लाइन भी अपने वीडियो में बोलते हैं। हाँ, मैं पिता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है। दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसका ठेकरा पवन सिंह के माथे में फोड़ दे रहे हैं, उनको इनडायरेक्टली टारगेट कर दे रहे हैं। लेकिन ये सब मामला कुछ नहीं हुआ था, फिर अचानक खेसारी लाल यादव के दिमाग में एक बात आता है। बात क्या आता है, वो कहते हैं कि अचानक मेरे दिमाग में आया कि हमको लाइव आना चाहिए, और इतनी बुरी तरीके से पवन सिंह को टारगेट करना, इतनी जगह से ट्रोलिंग करना कि आपको क्या ही बताना। आप एक लाइन यहाँ पर सुनने की कोशिश कीजिए, सुनने के बाद अपना माथा पकड़ लेंगे आप। एगो बेटा पैदा कर लो, लो तब समझ में ना आई खाती क्षमता चाहिए। दोस्तों, यहां से पूरे क्लियरली तरीके से समझ में आ सकता है कि खेसारी लाल यादव कंप्लीटली डिप्रेस हो चुके हैं, वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेवार पवन सिंह को दे दे रहे हैं और पवन सिंह के माथे पे ठीकड़ा फोड़ दे रहे हैं। लेकिन इससे जो है दिक्कत खेसारी लाल यादव को होने वाली है, और इसी वजह से इस वीडियो को बनाया भी गया है। अब इससे खेसारी लाल यादव को दिक्कत ये होगा कि बिना मतलब के अगर पवन सिंह को टारगेट करेंगे तो उनके जितने भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सीधे 50% हो जाएंगे, और कुछ लोग पंकज सिंह का ही सपोर्ट करेगा तो कुछ लोग खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से बात विवाद होगा, पंकज सिंह को कुछ नहीं होगा, पंकज सिंह आराम से हीरो बनता रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बिना मतलब के इन लॉजिकली पवन सिंह को टारगेट करते हैं तो इससे बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा कि सब लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे, और ये खेसारी लाल यादव के लिए सबसे बुरी चीज़ होने वाली। दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल भी आ रहा होगा कि नहीं नहीं खेसारी लाल यादव को ठीक ही लग रहा है, पवन सिंह ही तो करवा रहे हैं, गाना भी पवन सिंह ही गवाए होंगे, तो यहाँ पर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सारा कंट्रोल अगर पवन सिंह के हाथ में ही होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सभी सुपर स्टारों पर गंदा गंदा गाना गाया गया है। जैसे ये वाला गाना भी देख सकते हैं, ये पवन सिंह के बेटी पर गाया गया है जबकि पवन सिंह की कोई बेटी भी नहीं है।
और मतलब निरहुआ से लेके हर एक सुपरस्टार पे इस तरीके का गाना गाया गया है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सब पवन सिंह कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब दोस्तों इन सब को देखते हुए सही करने कोई सुपरस्टार आते हैं, जैसे रितेश पांडे पिछली बार पंकज सिंह के मामले पे ही लाइव आए थे, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से गंदा गाना गा रहा है, इस तरीके से गाना नहीं गाना चाहिए, एक्सप्लेन करके मतलब खेसारी लाल यादव का सपोर्ट ही कह सकते हैं रितेश पांडे ने किया था। लेकिन उस वक्त खेसारी लाल यादव क्या ही गंदा बेइज्जती किए थे रितेश पांडे का। वो कहते हैं कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसके गाने का प्रमोशन कर रहे हैं, इस तरीके का गाना नहीं गाना चाहिए, गाना का नाम ले रहे हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि सुपरस्टार को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो इस तरीके की कुछ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए खेसारी लाल यादव की तरफ से भी, ताकि भोजपुरी के ऑडियंस बटे नहीं और अगर कोई गलत किया है तो उसको करारा से करारा जवाब मिल सके। और इस वीडियो बनाने का भी मकसद यही था कि जितने भी खेसारी लाल यादव के विरोध करने वाले हैं, जितने भी स्टार सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, सभी लोगों को अभी खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक पिता हैं। अभी एक मिनट के लिए भूल जाइए कि खेसारी लाल यादव कोई स्टार हैं, भूल जाइए कि वो कुछ अलग मुकाम हासिल किए हैं, एक पिता का सपोर्ट करना है और सभी लोग पुराने गिले शिकवे को भुला के अभी खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करना है क्योंकि वो बंदा अभी बहुत कमज़ोर दिख रहा है। दोस्तों जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि इसके बाप मतारी को शर्म नहीं आ रहा होगा कि कितना नीच कितना कमीना बच्चा पैदा किया है जो पूरे बिहार से गाली सुन रहा है, माँ की बहन कितनी गंदी गंदी गाली, इसका बाप मतारी शहर में कैसे घूम लेता होगा। गाँव के लोगों को जूता का माला पहना देना चाहिए इसको और पूरे चौराहे पर गधे पर बैठा के इसके बाप को आगे और उसके मतारी को पीछे बैठा के घुमाना चाहिए। ये इतना नीच और इतना कमीना इंसान है, किसी की बेटी को बेटी नहीं समझता है।